और है डिनर की तैयारी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? क्या बना रही हो? मैं आज बना रही हूँ स्प्राउट्स है, तो स्प्राउट्स के चीले बना रही हूँ। वाओ, तो मस्त लगेंगे, तो हेल्दी हो जाएंगे। बेटा आ गया मेरा, देखता हूँ। तो बेटे को भी कैसा रहा जिम? भूख लग गई? तो बेटे को भी प्रोटीन रिच खाना चाहिए और हमें भी प्रोटीन रिच खाना चाहिए। तो आज ना मैं आप सबके लिए स्प्राउट बना रही हूँ। तो सबसे पहले ये डाल देते हैं अदरक और हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया, बाकी धनिया बाद में डालूंगी। तीखा ना हो जाए ना ज़्यादा? नहीं, एक ही हरी मिर्च डाल ली है। ये स्प्राउट्स वैसे भी बोलते हैं बाबू डिनर है ना, हल्का करना चाहिए। अभी पिछले एक वीडियो से लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत टॉर्चर करती हूँ आपको, चिल्लाती हूँ, चीखती हूँ, ऐसी हूँ क्या? अब खांसी आ गई अचानक से मुझे। खांसी आ गई, बंद कर दो। क्या बकवास कर रहे हो? क्या मिला है? ये डाल रही हूँ मैं, बेसन बाद में डालती हूँ, पहले पीस्ट। चलो, हाँ तो लोगों को लग रहा है कि मैं आपके ऊपर तानाशाही करती हूँ, हुकुम चलाती हूँ, आपके ऊपर चिल्लाती हूँ, ऐसा कुछ है क्या? मुझे तो लगता है सब ऐसे होते होंगे सारी दुनिया में, है? कोई सुनता है, कोई सुनाता है, कभी तुम कभी मैं। अरे आप मौका नहीं छोड़ते, एक बोले बहुत बॉसी है, बदतमीज है, पति की इंसल्ट कर रही है। लोगों को लगता है कैमरे पे पति महेश्वर की तरह पूजा करते रहना चाहिए। सिखाओ तो भी डांटो मत। अब जब मेरे को मम्मी पापा काम सिखा देते ना, तो ऐसे ही डांट पड़ती थी शायद, इसी वजह से। तो उनका वीडियो नहीं बनाया ना तुमने? उनका वीडियो बनाती तो लोग देखते हैं, फिर कहते हैं कि माँ बाप बच्चों को डांटते हैं। उस टाइम फोन नहीं होते थे और ये सब कैमरेबाजी है। अरे वो तो फिर वही है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने मेरे को सिखाया है डांट डांट के, मे बी इन अ गुड वे और बैड वे आई डोंट नो, पर जो भी है डांटा, शायद अभी तक मुझे वो याद रहता है। जैसे क्या चीज थी वो, मेरे को याद नहीं आ रही अभी। जब भी मैं करती तो मुझे डर लगता है मम्मी का, तो जैसे चक्कू धो, जैसे चक्कू यूज करके ऐसे सिंक की तरफ जाती तो एकदम से याद आता है कि पापा ने एक दो बार टक चक्कू तुरंत धो के रख। तो ऐसे अब दो मिनट दो मिक्सी चलाऊंगी, बहुत आवाज आई। चलो एक बार। नहीं नहीं देखा तो कुछ भी तो नॉर्मल है। ठीक है, अब ये जो हमने स्प्राउट्स मिक्सी में डाले थे ना, इनको हम पीस लेते हैं। ओके, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि इसको पीसने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसका ना एक प्रॉपर पेस्ट बनाना है हमें। तो ये बिल्कुल अभी पेस्ट नहीं हुआ, मैंने रोक लिया ताकि मैं इसमें बाकी बचा हुआ धनिया डाल दूं। और इस टाइम पे ना ओट्स डाल रही हूँ। ये सब ग्लूटेन फ्री है, अगर आप डाइट पे भी हो तो भी आप बहुत अच्छे से इसे खा सकते हैं। और अब हम इसे फिर से एक प्यारा सा पेस्ट बना लेंगे। मैंने पीस लिया, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। उप्स, अब इसमें बेसन मिला लेते हैं ताकि ना चीला उतारना इजी हो जाए। मैं देखें बस होगा, बेसन हेल्दी होता है। बेसन भी ग्लूटेन फ्री होता है, हेल्दी होता है। अरे नमक खत्म है, ये भी भरना है। ये कितना स्वाद अनुसार? हाँ, और मसाले डालते हैं इसमें हम। थोड़ी सी काली मिर्च, आप चाहें तो ना थोड़ी और दरदरी करके डाल सकते हैं। जब वो मुंह में बाइट आता है ना काली मिर्च का, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और जीरा। तवा मैंने गरम होने के लिए रख दिया है, इन द मीन टाइम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तो पलाव चढ़ा दो इस पे। हाँ, तो अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि बेसन के वो लम्स ना रहे। सेंधा नमक भी ऐड कर सकते हैं, काला नमक बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। एक सेकंड,
मेरे को तो पनीर की फिलिंग बनानी थी, मैंने तवा चढ़ा दिया। क्यों पनीर की फिलिंग क्यों? और टेस्टी बनेगा ना ये। देखो बंद कर देते हैं, मैं पनीर की फिलिंग बना के फिर से ऑन करती हूं। ये क्या बन रहा है? पनीर स्टफिंग, शादियों में खाते हैं ना, बेसन का चीला उसमें स्टफिंग होती है ना, बस वही वाली पनीर है ना, मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया। ऐसे लग रहा चीज है, किसी को दे दोगे तो पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं सब पता चलता है, उल्लू बन जाएगा वो, सबको पता है। अप्रैल चल रहा है ना तो अप्रैल फूल बनाते हैं। लोगों ने कैसे किसी को बनाया होगा पूछना पड़ेगा। और ये थोड़ी सी, मैंने तुम्हें पता कैसे बनाया था? ये थोड़ी सी काली मिर्च है, रेसिपी बताने दो, वो जरूरी है। और ये ना ऑरिगैनो सीजनिंग है, मेरी बहुत फेवरेट है, बच्चों को पसंद आती है इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। क्या मसाला होता है इसमें? इसमें चिली फ्लेक्स होते हैं, अनियन गार्लिक पाउडर होता है, ऑरिगैनो होता है। और ये देखो पता है कहाँ से मिल सकता है फ्री में, बहुत पेड़ लगे हैं डोमिनोज वालों के पास। मैं धनिया डाल दिया और अब मैं प्याज डाल रही हूँ। ये छोटे बड़े क्यों हैं? वो लग रहे हैं वैसे क्योंकि क्रश नहीं हुआ है। एक मिनट में काली मिर्च बंद कर दूँ, खुशबू हो जाएगी, मैंने अभी पीसी थी देर पहले। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर का जो हमारा मसाला है ये बन गया है, अच्छे से मिक्स करना है। अब चाहो तो टेस्ट कर सकते हो। क्या इन दोनों को मिक्स किया जाएगा? अच्छा ओ चीला बना के उसके ऊपर से सर्व करके गरम करके दिया जाएगा। ओ गॉट इट। तवा बहुत ज्यादा गरम हो गया तो तुम गैस ना मतलब बिल बढ़ाए जाओ। ओ साउथ इंडियन है। बिल क्या बढ़ेगा, आईजीएल यूज कर रहे हैं तो आईजीएल में बिल नहीं आता क्या? सस्ता पड़ता है सिलेंडर से, सस्ता पड़ता है। हाँ ठीक है, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना वेस्ट करेंगे। कहाँ वेस्ट कर रहे हो बाबू, थोड़ा कम लेना था, मोटा बन जाएगा। नहीं स्प्रेड कर रही हूँ ना। ओके ये तो बहुत बड़ा तवा छोटा हो गया है ना, ज्यादा ले लिया, चम्मच बड़ा ले लिया मैंने अभी। कोई बात नहीं मैं खा लूंगा, एक ही पीस में पूरा पेट भर जाएगा। ऐसे नहीं है सस्ता, तो उसको घी डाला दे, घी पिघलाया नहीं। इन सब चीजों में घी का स्वाद ना भर के आता है, भर के आता है, तो बढ़िया वाला घी यूज करना होता है। वैसे तो घर का अच्छा होता है पर अगर बाहर से मंगाना पड़े तो जो आपको पसंद हो ले लीजिए। मैं इनका यूज करती हूँ, नमक वाली का कई बार। गाय का भैंस का? काऊ है, ए टू काऊ। ओके ठीक है, हम इसे होने देंगे धीमी आंच पे गरम गरम। कॉर्नर फिल कर देती, मेरी मम्मी बना रही थी मस्त डोसा। तो डोसा का भाई है ना? हाँ। वैसे ही बनता है, वैसे ही होता है, बस कजन ब्रदर है। फॉरेन रिटर्न? नहीं इंडियन ही है तो। कुछ भी बोलते हो, कुछ भी तट्टे ले लेते हो। तट्टे, तट्टे क्या होता है? लहटे तमिल में तट्टे बोलते हैं। टाइम लगता है क्योंकि तवा अच्छे से गरम वैसे तो हो गया, पर पहले वाले में टाइम लगता है हमेशा, उसके बाद उधर 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 उतर आते हैं। बहुत लोग पूछते हैं ये तवा कहाँ से लिया, तवा कहाँ से लिया। ये तवा 10 साल पुराना है, बहुत पुराना है भाई, बहुत पुराना, मेरी शादी की तरह। नहीं नहीं मेरी तरह। 10 साल पहले मैं लाइफस्टाइल गई थी और ये तवा मुझे सेल पे मिला था, मेरे ख्याल से 1250 रुपए लिखे थे, मैं कभी ये बात नहीं भूल सकती। और डिस्काउंट के बाद 350 रुपए में था, तो मैंने ना सोचा ना समझा, मैंने बस देखा ना ताओ देखा, राइट देखा ना लेफ्ट देखा कि मैं अपनी मम्मी को दे दूंगी, मेरी मम्मी को चीज अच्छी लगेगी। फिर मैंने अपनी मम्मी को भेज दिया, नहीं मैंने दिखाया ऐसे वीडियो कॉल पे किसी चीज पे, और मेरी मम्मी ने मना कर दिया मुझे नहीं चाहिए। फिर मैंने इस तवे को ऐसे ही अंदर रखा क्योंकि मैं तो मम्मी के लिए लाई थी तो मैं यूज नहीं कर पाई। फिर 4-5 साल बाद मैंने इसे धीरे धीरे यूज करना शुरू किया, कम यूज करती हूँ क्योंकि डोसा और चीला जब बनाना होता तभी यूज करती हूँ, वरना मैं इसे यूज नहीं करती जल्दी से। तो चीला बन रहा है, ये बताओ ये यहाँ क्या रखा है? ये प्याज का अचार है। ये और ये बनाया तुमने आज अभी थोड़ी देर पहले? वेरी गुड, लोगों को रेसिपी चाहिए थी और मेरे बेटे को ना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो आज प्याज का अचार बना लूं। ये देखिए कितना प्यारा सा अचार है। अभी कितने दिन चल जाएगा? 3 से 4 दिन तक ये चल जाता है, और आपको इसे जाली लगा के रखना होता है, ढक्कन लगा के रखेंगे ना तो ये जल्दी खराब हो जाएगा, हवा पास होती रहे। ये मेरा चीला हो गया ऑलमोस्ट, कहाँ से लिफ्ट अप करूं? ये देखो, तो ये ना मैं अब इसमें ये लगा रही हूँ। बस ऐसे थोड़ा पूरा फिल करना है, थोड़ा डालेंगे ना।
उसको ऐसे लिफ्ट कर लिया। वाओ वैसे आजकल चीला तो ट्रेंडिंग नहीं है, तो ट्रेंडिंग ही थोड़ी ना होता है सब कुछ। वो प्लेट दिया तरंगन कि आपसे बातों के चक्कर में ना मेरा चीला टूट गया। कोई बात नहीं। और रेडी एंड टू बी सर्व्ड विद केचप चटनी किसी भी चीज़ के। तरन को ना केचप चाहिए ना चटनी, तो उसको बस ऐसे ही देख के आ रही हूँ। मैं देख के आती हूँ, आपका उतारती हूँ फिर, ठीक है। देखें आज मेरे बेटे के लिए क्या बनाया मैंने। ये क्या है? सो ये है ओट्स मूंग बेसन का चीला विथ लॉट्स ऑफ पनीर स्टफ्ड इनसाइड। वाओ गरम है ऑब्वियसली, गरम गरम लाई हूँ। खा के रिव्यू दे देगा ना ये पापा बीच में लिख गरम है आराम से। अब आपका बना दूं? अब छोटा छोटा बनाऊं? नहीं नहीं बड़ा बना दो, पर पतला थोड़ा सा तो हाँ इससे हो जाएगा। ये तो हो जाएगा, चम्मच बड़ा ले लेना, मेरी गलती थी। गरम हो गया तवा एकदम, पालते ही बन जाएगा क्या? नहीं नहीं अगर तुम बैठोगे तो गरम हो जाएगा। कहाँ बैठूं मैं ये बताओ, तवे के ऊपर? क्या आप कुछ भी बोलते हो। अब आप लोग को समझ आया नहीं कि मैं क्यों पागल हो जाती हूँ हस्बैंड के साथ? कुछ भी बोलेंगे। ये देखो इसका शेप ही बिगड़ गया। तो अभी अभी मैंने बिगाड़ा। हाँ आपने बिगाड़ा। ओके घी लगा दो आपको अच्छे से, आपको मुझे लगा नहीं। मुझे तो तुमने मक्खन लगा रखा है। मैं आपको भी मक्खन क्यों लगाऊंगी बताना? कि मुझे सब्जी मंडी ले चलो, मुझे फ्रूट दिलाने ले अच्छा, चलो। आप नहीं जाओ, एक मिनट आप लेके नहीं जाओगे तो मैं मतलब, जाती नहीं हूँ, मैं तो लाती नहीं, मैं घर का काम ही नहीं करती हूँ। सुन लिया आप लोगों ने? सुन लिया करना पड़ता है ना। तू मुझे खिला मैं तुझे खिलाऊं। अच्छा क्या होता है ये? नहीं है गाना? तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। जा रहा हूँ मैं, तुम इतना अच्छा गाया है, दो लाइन गा दी गाने के। ओ माय गॉड गजब है। सीख लिया तुमने सिंगिंग? सीखा नहीं, ठीक है थोड़ा बहुत। अब वो आप गाओ कोई मारवाड़ी गाना। मारवाड़ी गाना गाओ, आता ही नहीं मुझे। गाओ कुछ तो गाओ। कौन सा आता है? ते कालियो कूद पड़ रे मेला में साइकिल पंचर कर गयो रे। दादा आते नहीं, सुनना पड़ेगा फिर, हमें सीखना पड़ेगा। नहीं ऐसे नहीं है। व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग? रंग बरसे तो कालियो कूद पड़ रे मेला में साइकिल पंचर कर लायो र र से गाना का दूसरा। नहीं पर आपका फेवरेट गाना कौन सा है, मैं तो ये पूछ रही हूँ। ऐसे कोई फेवरेट नहीं, सारे फेवरेट है, जो गा लेते हैं वो फेवरेट है। नहीं फेवरेट तो वो वाला है, राज कपूर वाला गाना था, एक दिन बिक जाएगा माटी का मोल, माटी के मोल। हिंदी में अच्छा हाँ, मुझे मोर लगता था मोल, और मैं सोची थी एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोर। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला, दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। मतलब एक दिन बिक जाएगा देकर अपना गीत। हाँ आप वहीं मतलब तक रहना, आप वहीं तक रहना, आप किसी कुछ तक मत पहुंचना। ये मेरे हस्बैंड बहुत तेज है, बोलेंगे गाने ऐसे ही बोलते हैं दूसरे के होठों को फिर ऐसे कर करके ना, बहुत बदमाश है। गाने क्या किया मैंने फालतू में? बदनाम कर रही हूँ मुझे सोशल मीडिया पे। नहीं मुझे आके सुनाते ना आप गाने, मेरे साथ था तो मैंने ऐसे बोल दिया। ऐसे नहीं होता। हाँ चलो आपकी पेट लाओ, आपका भी लगा देती हूँ मैं। ओके अच्छा बना है। हाँ तो थोड़ा सा गर्माहट कम हो गई थी ना, वो फर्स्ट वाला था ना गर्म था एकदम। कैसे लगा? सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एक मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ, ये दूसरा है, जबकि मेरे पेट में जगह नहीं है, भूख नहीं थी मुझे खाने की।
पर इतना अच्छा बना है ना भाई साहब, हाथ में लेते मुंह में पानी आ जा रहा है। आपको पता है ना हस्बैंड लोग तारीफ नहीं करते, पर आज ये कैसे तारीफ कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से चटनी धनिया की, आज दिन भर में कुछ खाने को नहीं मिला था क्या आपको? पकाने को नहीं मिला था। बहुत अच्छा है, चलो खाओ, मैं फटाफट और उतारती हूँ। मैंने खा लिया, तुमने अपना बना लिया, तो एक और बनाऊंगी ना। इतना बैटर बचा, क्या करोगी? देखो एक मेरा बनने के बाद दो या तीन चीले बनेंगे, उसके बाद मैं उनको ठंडा करके डब्बे में डाल के रख दूंगी, कल आपको चीले का रायता मिलेगा। चीले का रायता? हाँ, तो बैटर वेस्ट नहीं कर सकते ना। वाओ बहुत बढ़िया, तो अच्छे से हो गया। ये मैं अपना खा रही हूँ, और ये मेरे बेटे को सॉलिड खाना चाहिए, पुट ऑन करना है वजन, तो मैंने चावल ऑलरेडी बना के रखे थे, ये शाम को मैंने बना लिए थे चावल ताकि ठंडे हो जाए, और ये बघारे चावल बन गए उसके लिए, जो उसके लिए मैं अभी सर्व करूंगी, उसका फेवरेट प्याज के अचार। अब आपको समझ आया प्याज का अचार आज क्यों बना है? बस पापड़ सेकूंगी। ठंडा हो रहा है, बस ले रही हूँ उसको, दे दू प्याज का अचार, ला लू अच्छे से। पापड़ भी सेकना है? मैं सेकूंगा पापड़। आप सेक दोगे? ऐसे कर रही हूँ जैसे कभी सेका ही नहीं है। नहीं नहीं, रोज ही सेकते हो आप? पूरी प्रेगनेंसी में पड़ोसी को पापड़ खिलाए, मतलब तुम्हें खिलाया। ठीक है, तो आप उसको ये दे दो पापड़ सेक के, चीला देख के मुझे दे देना, बाकी बाकी के चीले या तो फिर मैं खाना खा के बना लूंगी। ठीक है। सेक लिया पापड़? बस हो गया, ये देखो पापड़ सेकिंग। अच्छा जी, मम्मी को फूल बना के देता हूँ ऐसे। अप्रैल फूल बनाया, मुझे नहीं चाहिए। अरे उसका है, करो मैं पकड़ो, मुझे नहीं चाहिए। ये चीला चला ब्राउन के लिए बन गया प्लेट में, मैंने बनाया स्पेशल वाला घी, तुम खा के बताओ कैसा है। कुक तो होने देते, कुक हो गया वो, देखो ऐसा ब्राउन होना चाहिए। बहुत बढ़िया कुक हुआ है मेरा वाला। एक काम करो आप रहने दो, बाकी के चीले मैं खुद बना लूंगी। ठीक है। अच्छा है? नहीं देखो ब्राउन ही नहीं होने दिया। अच्छा है, गरम है, अच्छा टेस्ट है। बताओ कैसा है, बस खा के पता नहीं चल रहा, गरम है, अपना वाला ही खा लेती हूँ। प्लेट क्यों नहीं ली दूसरी? मेरी झूठी प्लेट में खा रही हो, लोग कहेंगे इसी प्लेट में खा रही हो। फिर पहले तो हम लोग हमेशा खाना साथ बैठ के खाते थे, पहले के अभी भी खाते हैं, आज नहीं, ऐसे जब चीला वीला बनता तो साथ बैठ के खाना नहीं होता, क्योंकि एक जन सेकेगा और एक जन खाएगा। और ना साउथ में ये कथा है, कथा कथा नहीं प्रथा, प्रथा के हिंदी तो अच्छी। हस्बैंड को खाना खिलाने के बाद वाइफ उन्हीं की प्लेट में खाना खाती है, इससे ना प्यार बढ़ता है। अच्छा, अब पता नहीं कितना सच है, नहीं पर मेरे को वही आदत है, हम एक ही प्लेट में खाते, जिस दिन नहीं खाते तो ऐसे हो जाता है। एनीवेज तो चीला खा के पेट भरा नहीं तुम्हारा? देसी आदमी हूँ, चीला खा लिए दो, पर अपना चावल बिना खाना नहीं होता पूरा। चावल के साथ प्याज का अचार, मजा आ गया, मजा आ गया।